हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कार्बोहाइड्रेट के कार्य का अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत जो होते हैं वो वनस्पति जगत में विद्वान है। यह विभिन्न अनाजों, सब्जियों, फलों तथा अन्य पदार्थों में विद्वान होता है। कुछ भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा प्रत्येक 100 ग्राम में कैलोरीज मूल्य बताते हैं। शर्करा, शर्करा में 99.4 कार्बोहाइड्रेट होता है, 99.4% कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रत्येक 100 ग्राम में कैलोरीज जो होती है वो 398 होती है। गुड़, गुड़ में 75% कार्बोहाइड्रेट होता है और 100 ग्राम से जो कैलोरीज मिलती है वो हमें 380 कैलोरीज मिलती है। शहद, शहद में 79% कार्बोहाइड्रेट होता है और कैलोरीज जो होती है वो 355 होती है। हरा चना, हरे चने में 59.9% कार्बोहाइड्रेट होता है और 100 ग्राम से जो हमें कैलोरीज मिलती है वो 351 मिलती है। चावल, चावल में 78.2% कार्बोहाइड्रेट होता है और जो कैलोरीज 100 ग्राम से मिलती है वो 348 है। गेहूं का आटा, गेहूं के आटे में 69% कार्बोहाइड्रेट होता है और इससे हमें जो कैलोरीज मिलती है वो 346 100 ग्राम में होती है। मैदा, मैदा हमें 70.9% कार्बोहाइड्रेट होता है और जो कैलोरीज मिलती है 100 ग्राम से वो 345 होती है। आम, आम में 16.2% कार्बोहाइड्रेट होता है और 100 ग्राम से हमें 80 कैलोरीज मिलती है। किशमिश, किशमिश 77.3% कार्बोहाइड्रेट होता है और 100 ग्राम से जो कैलोरीज मिलती है वो 332। अंजीर, अंजीर से 15.5% कार्बोहाइड्रेट होता है और अंजीर से जो हमें 100 ग्राम से कैलोरीज मिलती है वो 70 कैलोरी मिलती है। जिमीकंद, जिमीकंद में 23% कार्बोहाइड्रेट होता है और इससे जो कैलोरीज मिलती है वो 100 ग्राम में 110 होती है। केला, केले से हमें 24.7% कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इससे जो कैलोरीज मिलती है 100 ग्राम से वो 102 किलो कैलोरीज हमें मिलती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर के लिए ऊर्जा देना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने कैलोरीज ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को प्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर में संग्रहित होकर शरीर में किस फॉर्म में संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज की फॉर्म में हम लेते हैं और ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में और ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक। नाड़ी संस्थान के लिए कैसे आवश्यक है? नाड़ी कोशिकाओं तथा फेफड़ों की कोशिकाएं ग्लूकोज अणुओं को ईंधन स्रोत के रूप में प्रयोग करती है, क्योंकि ग्लूकोज की कुछ मात्रा अमीनोम तथा वसा द्वारा बनाई जाती है। अतः इन ऊतकों को खाद्य भोज कार्बोज की आवश्यकता नहीं होती। जब रक्त शर्करा की मात्रा सामान्य से रक्त में कम होने लगती है तब मस्तिष्क में ग्लूकोज की कमी उत्पन्न हो जाती है। तब क्या होता है, मस्तिष्क द्वारा अनियंत्रित व अनियमित संवेदनाएं दी जाने लगती है तथा ऐठन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, इसलिए नाड़ी संस्थान को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रमुख कार्य प्रोटीन की बचत करना है। प्रोटीन की बचत किस प्रकार करता है? भोजन से ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित होकर प्रोटीन की बचत में सहायक होता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करते हैं तो उससे हमें जो कैलोरीज मिलती है इसके अवशोषण से शरीर को समुचित मात्रा में कैलोरीज प्राप्त हो जाती है। इससे शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करता, किंतु जब हम कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण नहीं करते
तब क्या होता है, तब हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है वसा की बचत में सहायक। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं, किंतु जब यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया जाए तो वसा की मात्रा बच जाती है। कार्बोहाइड्रेट वसा के अत्यधिक प्रवलनशील को रोकने में भी सहायक होता है। मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में ले लेंगे तो उससे हम कार्बोहाइड्रेट से ये एनर्जी प्राप्त करेंगे और जो फैट होता है वो बॉडी में रह जाता है। नेक्स्ट है पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाना। अपचनशील कार्बोहाइड्रेट जैसे सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस तथा पैक्टिन, जिनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, आमाशय व आंतमार्ग की मांसपेशियों को उत्तेजित करने में सहायता करते हैं। ये तत्व पानी को अवशोषित करके आंत पदार्थ का जो भार होता है उसे बढ़ाते हैं। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट भोजन व पेय पदार्थों को मीठा करने में उपयोग होता है। स्टार्च फीका व रेशा युक्त होने के कारण रोगी के लिए उत्तम रहता है। नेक्स्ट है मल विसर्जन में सहायक। पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थ को मल के रूप में विसर्जित करने में सहायक होते हैं। ये आंतमार्ग में को उत्तेजित करके मल की गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है शरीर के ताप के नियंत्रण में सहायक। शरीर कार्बोहाइड्रेट शरीर के ताप को एक समान बनाए रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है भार की गति से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, पर इसका जैविक महत्व तो बहुत अधिक होता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड नाड़ी ऊतकों का, लैक्टोसाइड बंधक ऊतकों का मैट्रिक्स आदि। नेक्स्ट है कार्बोज एवं कैंसर। पाचन तंत्र के कैंसर एवं खाद्य रेशों के मध्य संबंध पाया गया है। जिन मनुष्य के आहार में खाद्य रेशों की मात्रा अधिक पाई जाती है उनमें पाचन तंत्र के कैंसर के खतरे की कम संभावना पाई जाती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एवं हृदय रोग। अधिक रेशे वाले आहार के सेवन से बहुत से हृदय रोगों में सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि आहार में वसा प्रोटीन एवं कार्बोज की मात्रा कम हो जाती है। कुछ रेशे जैसे पैक्टिन कोलेस्ट्रॉल के साथ संयुक्त होकर आंत्रनली में इसके अवशोषण की दर को कम कर देते हैं। रेशे पितरस के विघटन की दर को बढ़ाने वाले जीवाणु की वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। कौन कौन से एंजाइम स्टार्च सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं? स्टार्च सलाइवा के साथ ऐड होता है। कौन सा एंजाइम वर्क करता है? एमाइलेज एंजाइम वर्क करता है। और क्या बनता है फिर? माल्टोज। नेक्स्ट है स्टार्च गैस्ट्रिक एसिड में मिक्स होता है और एमाइलेज एंजाइम वर्क करता है और माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज पैनक्रेटिक जूस के साथ मिक्स होता है। सुक्रेज एंजाइम वर्क करता है, सिंपल शुगर बनती है और सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होता है, माल्टेज एंजाइम वर्क करता है, सिंपल शुगर बनती है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज पैनक्रियाटिक जूस के साथ वर्क करता है और लैक्टेज एंजाइम वर्क करता है, इस पर सिंपल शुगर बनती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। थैंक यू।